हमकुम नाज़रीन निराला पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सैयद मुसैब हुसैन नाजरन ईद कुर्बान की आमद आमद है जैसे ईद जैसे करीब आ रही है तो जानवरों की खरीदो फरोख्त का जो मामला है वो भी तेज़ी से परवान चल ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं शेख अरफान साहब इन्होंने ये जानवर जिसका नाम प्यारे लाल शेरू इन्होंने रखा हुआ है और ये जानवर इन्होंने छोटा सा जानवर घर में पाला और इसे आज इन्होंने इतना बड़ा कर लिया कि इसका इस वक्त तकरीबन वज़न पंद्रह मन बताया जा रहा है इसे किस तरीके से पाला किस नाज नखरों से इसे इतना बड़ा किया इसी हवाले से आज शेख साहब से बात करेंगे जी शेख साहब अलकुम वालेकुम सलाम क्या हाल चाल है शेख साहब अल्लाह का शुक्र पहले तो मैं आपको खुश आहमद कहता हूँ आप मेरे डेरे पर तरीफ़ लाए हौसला अफजाई का शुक्रिया जी जी शेख साहब बहुत शुक्रिया अच्छा शेख साहब बताइएगा ये जानवर आप कब से पाल रहे हैं और इसकी इस वक्त उम्र कितनी है और वजन कितना तकरीबन ये इस जानवर को मैंने बचपन से ही पाला है ठीक है इसकी उम्र साढ़े तीन साल है और माशाल्लाह ये आपके सामने है इसका वज़न पंद्रह मान हम बता रहे हैं साफी गोश का लेकिन ये पंद्रह मान से ऊपर ही है तो आपके सामने यह चीज़ तो इसका मैंने प्यार से नाम रखा हुआ प्यारे लाल शेरू इसका नाम जो आपने रखा है इस हवाले से हमें बताइएगा नाम मैंने आ, आपको बताया है कि इसका जानवर बहुत प्यारा है इसलिए मैंने इसका नाम प्यारे लाल शेरू रखा हुआ है तो इसकी खसूसियत ये भी है कि हम इसको जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार हमसे करता है और अब तो आपके पास टाइम भी नहीं होएगा शाम भी होगी है मैंने रात को वीडियो बनाई है ये कुर्बानी के लिए अभी मेरे बुज़ुर्ग आए थे उन्होंने तैयार किया कि अल्लाह की राह में लेट जाए कुरबान हो जाए ये लेट भी जाता है अच्छा शेख साहब हम अक्सर वीडियोस देखते रहते हैं मुख्तु चैनल्स पे वीडियोस आती हैं और जानवर माशाल्लाह बड़े बड़े वज़नी और कादावर जानवर उन जानवरों के बारे में लोग ये कहते हैं कि इसे हम बादाम खिलाते हैं मेवा खिलाते हैं दूध पिलाते हैं दही खाते हैं आप बताएं इसे क्या खिलाते हैं देखिए जी मैंने तो अल्लाह की राह में देना है तो मैं सच बोलूँगा क्योंकि मैं इंसान मैं इंसान बड़ा साफ़ सुथरा और मेरी नीयत साफ है अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ जैसा मैंने आपको बताया है जो इसकी जो खुराक है वो हम खल रोटी और दाना चोकर वगैरह होता है जो आम रूटीन का है लेकिन इसके अंदर जो खास बात है ना इसकी परवरिश की और इस इतना सेहतमंद होने की एक टाइमिंग बड़ी नोट करती है इसको हम टाइम से वंडा देते हैं दो टाइम वंडा देते हैं सुबह और शाम और दोपहर के टाइम इसको हम सब्ज़ पट्टे वगैरह चारा वगैरह खिलाते हैं फिर उसका टाइम से पानी टाइम से वंडा टाइम से चारा देते हैं तो उसकी ग्रोथ अपने आप आपके सामने नज़र आ रही है ये चीज़ है ना मैं इसको मुरबा देता हूँ ना दूध देता हूँ ना मक्खन ना कुछ ना बादाम ना कुछ भी नहीं ये मेरी सिर्फ ये खाल रोटी की यानी कि कह की परविश हुई है क्यों सच बोल रहे हैं अल्लाह की राम में देना ये आपके सामने चीज़ है शेख साहब आपकी माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत है इस जानवर के साथ और अल्लाह ताला की रज़ा में ये कुर्बानी अल्लाह ताला आपका जज्बा कबूल करे आपने इतने प्यार और मोहब्बत से इस जानवर को पाला है तो जो लोग हैं कुर्बानी करते हैं अक्सर जो लोग हैं वो उनकी कोशिश होती है कि हम ईद कुर्बान से पहले जानवर लें और एक रात में उसे रख के अगले दिन ज़िबा कर लें या कुछ लोगों का ये शौक़ होता है हम जानवर पालें और उसे पालने के बाद उसको उसे कुर्बान करें तो उसकी परवरिश के हवाले से उसकी देखभाल के हवाले से कोई आपकी जानब से कोई मशवरा या वो जैसे कहते हैं देसी टोटका गई देखिए जी मशवरा वगैरह तो टोटके वगैरह तो वैसी बातें बनी हुई हैं ये अल्लाह का माल है अल्लाह ने संभाला हमें भी अल्लाह ताला ने संभाला हुआ है तो अल्लाह का शुक्र है जब मुझे तकरीबन आठ एक साल हो गए इस ढेरे को बनाए हुए बचपन से शौक़ था अल्लाह ताला ने नवाजा मुझे तो मैं इस तो मुकाम पे पहुंच गया हूँ और अभी मैं आपको जो तो दिखाऊँगा बैक साइड पर सारे मेरे वो बच्चे बंधे हुए हैं ये सब माशाल्लाह इसी तरह तैयार करूँगा और अल्लाह की राह में दूँगा ये शौक़ है ये बचपन से मुझे शौक़ था और जज्बा था तो इन श्ला इसी तरह जब तक ज़िंदगी है तो इन शाह तल इसी तरह मैं अपना शौक़ आपके सामने लेके आऊँगा बचपन से ही पालूँगा इसी तरह इससे बल्कि इन शाला इन शाला इससे ज़्यादा वजनी करके दिखाऊँगा ये मेरा आपको पैगाम है जी इनशा अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली आपकी इस कुर्बानी को कबूल मंजूर फ़रमाए और आखरत नबी मेहरबान सल्ला वसलम के हाथ से होजे कोसर नसीब फ़रमाए इसी के साथ अपने मेज़बान मुसैब हुसैन को इजाज़त दें अल्लाह ने कबान